हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। मैं आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपको बस यही बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने जो थंबनेल में आपने देखा है कि जैसे कि आपका कैमरा ख़राब हो गया, चाहे आपको कोई सा भी फ़ोन हो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस इजीली बहुत 1 मिनट के अंदर ही ठीक हो जाएगा। ये पहले मैं बता दूँ, ये सब चीज़ें क्यों दिखाता है, या तो आपने अपने फ़ोन की मेमोरी जो है वो थोड़ा दिक्कत कर रही है, तो इसीलिए आप कोई भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो फ़ोन यूज़ करते टाइम आप थोड़ा बहुत स्पेस बरकरार रखिए उसमें, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर बैकग्राउंड में अगर आपका कोई ऐसा ऐप चल रहा है जो कि कंज्यूम करता है कैमरा, जैसे कि आपको हो गया व्हाट्सएप वगैरह, ये होता है, तो आपको बिल्कुल सीरियसली घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको जल्द तुरंत बता देता हूँ। तो आपको बेसिकली करना क्या है, तो आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में आपको देखना है, यहाँ पे ऐप ओनली ऐप, केवल ऐप लिखा हुआ होगा, तो आपको जाना है ऐप में। यहाँ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप ऊपर सर्च कर लीजिए, ऊपर सिर्फ ऐप ऐप लिख दीजिए और सिर्फ ऐप में ही जाना है आपको। तो जैसे कि मैंने ऐप में क्लिक कर दिया, ठीक है। इसमें जाने के बाद में जो आपका जो फ़ोन का और किसी को कैमरे को ओपन नहीं करना, ऊपर से कोई कैमरा नहीं लगाना, ठीक है। आप अपने फ़ोन के इंटरनल फ़ोन को क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में स्टोरेज में जाएंगे, ठीक है। यहाँ से क्लियर डेटा कर देंगे, तो मेरा तो कैमरा ठीक हो गया है, ठीक है। यहाँ से क्लियर डेटा कर देंगे, क्लियर डेटा करने के बाद में आप अपना फ़ोन सिंपल सा रिबूट कर लोगे, ठीक है। रिबूट करने के बाद में अगर आपको फिर भी नहीं ओपन हो रहा, पहले तो आपको 99% ओपन हो जाएगा, और आपका अगर फिर भी ओपन नहीं हो रहा तो आप परमिशन में जाके, ठीक है, ये सारी परमिशंस ऑन कर देंगे, ठीक है, सारी परमिशंस ऑन कर देंगे, ठीक है। सारी परमिशन ऑन करने के बाद में आप अगर अपने फ़ोन को देखोगे तो आपके फ़ोन में वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है, आपकी प्रॉब्लम 100% दूर हो गई है, मुझे पता है, ठीक है, तो आप इस चैनल को यार कर देना लाइक, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी जल्दी नहीं है। इसी तरह से मैं आपको आगे वीडियो लाता रहूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।